पंडित जी, मेरी टोकरी बदल गई है। क्या टोकरी बदल गई है आपकी? पंडित जी, मेरी टोकरी में तो नींबू थे, मगर इसमें तो नवदानिया है। सुनिए पंडित जी, इनकी नींबू वाली टोकरी यह मेरे पास है। अगर आप दोनों के पास है तो आपस में बदल लीजिए। ठीक है पंडित जी, लीजिए। सुनिए, नींबू के दिए जलाने की आपने मन्नत मांगी थी। हाँ बहन, मेरी बेटी के लिए 6 साल से मैं वर तलाश कर रही हूँ, लेकिन आज तक नहीं मिला। तभी एक बुजुर्ग ने मुझसे आकर ये कहा, हर मंगलवार राहु काल के समय 9 नींबू काट कर दिए जलाऊं, तो माता दुर्गा हमसे प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी, इसलिए ये कर रही हूँ। मेरी भी यही समस्या है बहन, इसलिए मैं यहाँ हूँ। ओहो, बेटी के लिए वर ढूंढ रही हैं? हमारी कोई बेटी नहीं है, हमारा एक बेटा है, उसी की शादी की बात चल रही है। उसकी शादी में काफी रुकावटें आ रही है। जहाँ कहीं भी शादी की बात पक्की हो जाती है, पता नहीं क्या होता है, अचानक कोई न कोई विघ्न आ जाता है। इसलिए नवधान्य पूजा करके कम से कम 9 कुंवारी कन्याओं को अन्नदान करेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा ज्योतिष ने कहा है, इसलिए हम आए हैं। अब आपको वधू तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी। ये क्या कह रहे हैं? आप दोनों की टोकरियां बदल गई थी, ये सब माँ की महिमा है, उनके संकेत को समझो। क्या कहा? देवी माँ आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न है, आपकी टोकरी बदल गई थी, अब आप दोनों भी एक दूसरे के साथ रिश्ते के बंधन में बन जाओ। आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए, ये माँ का चमत्कार है, आप अपने बेटे की शादी इनकी बेटी से कर दीजिए। देखिए, आपकी क्या राय है? राय को मारो गोली, चट मंगनी पट गया, शादी की तैयारी करो, जल्दी से जाओ। कावेरी, कावेरी बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है,
पानी बाद में भर लेना, पहले जाके तैयार हो जा। सुन रही हो? जल्दी आओ बेटी। आई माँ। आओ जल्दी से तैयार हो जाओ, वो आते ही होंगे। आओ आइए आइए। नमस्ते। लीजिए। क्या यही आपकी बेटी है? हाँ बहन। और ये है मेरा बेटा राजशेखर। आइए बैठिए। पिताजी, माँ जरा बाहर आइए। क्या है? पता नहीं क्या हो गया इसको। क्या बात है, बाहर क्यों बुलाया बताओ? ऐसी शुभ घड़ी में बेटा हमें बाहर क्यों बुलाया? माँ, शुभ घड़ी कहीं अशुभ घड़ी में ना बदल जाए इसीलिए। क्यों रे, आखिर बात क्या है बता। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, चले लौट चलते हैं। कारण? नहीं बता सकता। बेटा ऐसा करना पाप है, ऊपर से किसी लड़की के मन को ठेस पहुंचाना महापाप है। मैंने कहा ना, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है, चलिए। क्या आखिर कारण क्या है हमें बताओ। मैं बताती हूँ। आप पिता समान हैं, मेरी एक बात मानेंगे? बताओ बेटी। मैं आपके बेटे राजशेखर के साथ 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। जाओ जाओ, वो बेचारी तुमसे कुछ बात करना चाहती है, बात करने के बाद अपना निर्णय मुझे बताना। जाओ बेटा। आजकल के बच्चों को क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप इस शादी से इनकार क्यों कर रहे हैं, वजह मैं जानती हूँ। आपकी आंखों ने उस दिन जो कुछ भी देखा वो गलत है, सच्चाई मैं बताती हूँ। उस रात क्या हुआ कि टिकट 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 ले लिया साहब? हाँ बहन जी, 2 रांची के टिकट देना। हद कर दिया आपने, ये बस रांची नहीं जाएगी बहन जी, ये जानने के बावजूद इस बस में चढ़ गई, ये पटना से होते हुए दरभंगा जाएगी। हे ईश्वर, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आप यहाँ उतर के दूसरी बस पकड़ लीजिए। अरे भाई कंडक्टर, इतनी रात गए तुम इस जवान लड़की को बीच रास्ते में उतरने के लिए कह रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है बोलो। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप भी इनके साथ उतर जाइए। अरे क्या कहूँ, कलयुग का जमाना है, हमारे देश में अगर इंसाफ की बात करेंगे तो लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ अरे अरे, आइए आइए, आप दोनों मेरे साथ आइए, उतरिए, चलिए। हाँ वो टैची उठा ले। हाँ जल्दी उतरो जल्दी उतरो। अरे उतर रहा हूँ भाई, ज्यादा भाव मत खाना, आई बात समझ में? हाँ चलिए आप लोग चलिए। यहाँ तो घोर अंधेरा है, मुझे घबराहट हो रही है। आप बेफिक्र रहिए, अरे मैं हूँ ना इस जंगल में, मेरे रहते हुए आप दोनों को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आइए आइए आइए, अरे आइए ना आइए। रुको भाई, मुझे लगता है कि ये सही रास्ता है। ज्यादा बकवास की तो यहीं दफना दूंगा। छोड़ कमने, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तुमने हम दोनों को फंसा दिया, छोड़ दे हमें। कावेरी, मुझे याद में ठीक नहीं लगता, चलो हम वहाँ चलते हैं उस तरफ। अरे चल फोड़ फोड़ यार। अरे तू इधर आ, छोड़ दे मुझे। कावेरी छोड़ मुझे। कावेरी मत दिखा, कावेरी चल, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। अरे चल, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कौन है तू, उस लड़की को छोड़ दो। अरे मच्छर की औलाद, ये पूछने वाला तू कौन होता है? Thank you.
चले। गायब हो गई है। ओए, कहां भाग रही है? अबे छोड़ मुझे, छोड़ दूं मैं। अबे तेरी तो मेरी जान ले लूंगा मैं। अबे छोड़, खून पी जाऊंगा तेरा मैं। अबे छोड़, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? मुझसे जो पैसे लिए थे वापस कर, ऊपर से पूछा क्या कर रहा हूँ मैं? अबे ओए गोबर गणेश, तुझे कैसे समझाऊं? एक लड़की मेरी जेब काट के यहाँ से भाग गई। लड़की कहाँ गई? किसी और गई। सच कह रहे हो? मैं उस तरफ जाता हूँ, तुम इस तरफ जाओ। अगर वो लड़की मेरे हाथ लग गई, मेरे हवाले करना। तेरे हवाले कर दो। अरे भाई मैं ले जाऊंगा। हाँ ये नहीं होगा, हम दोनों मिल बांट के खाएंगे। अरे पहले से ढूंढ के लाओ फिर बांटेंगे यार, जाओ। है ये भी ना बात। ये नमूना कहाँ से आ गया? माती मन दुर्गा देवी, आज तुमने मेरी आबरू बचा ली। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया माती। तुम्हारी उपासना करने वालों को तुमने हमेशा बचाया है। तुम धन्य हो माती, तुम धन्य हो। माँ 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 कावेरी मेरी बेटी। नहीं माँ, कुछ हुआ तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो हो ना? आज उस मन दुर्गा देवी ने मुझ पर कृपा दिखाई और मेरी आबरू बचा ली। चलो माँ, चलो चलो माँ। यही हुआ था। मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए जो गलत धारणा है वो साफ हो जाए, ना कि मुझ पे रहम खा के मुझसे शादी करने के लिए। सच्चाई आप जान चुके हैं, आप जा सकते हैं। मैं कावेरी से शादी करूंगा, आप तारीख तय कीजिए। अरे नंदा, इस दिल में जो दर्द है वो तू नहीं जानता। अच्छा, ऐसी क्या दर्द भरी बात है, जरा हमें बताइए। वो क्या है कि दो दिन पहले मैं दुर्गा देवी के मंदिर आया। अरे रे रे रे, तुम तो पूरे नास्तिक ठहरे।
फिर दुर्गा मंदिर क्या करने गए भैया? अरे गधे की औलाद, मैं वहाँ पूजा करने थोड़ी गया था। तो फिर? अरे मंदिर के आसपास जो सूखे पेड़ है ना, उसका ठेका लेने गया था मैं। तौबा तौबा, आजकल तो कूड़े करकट से भी पैसे मिलते हैं, चाहे कुछ भी बेचो मगर हमें पैसे चाहिए पैसे। अरे पैसों के लिए तो हम भगवान को भी बेच दें, कितनी भी बेच देते हैं। अरे पैसों के लिए तो अपनी दीदी को भी बेच डालेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा एक बात बताओ, ये दुर्गा मंदिर क्यों गए थे? अरे मैं वहाँ पूजा करने के लिए नहीं गया, क्या बताऊँ ऐसा दृश्य देखा वहाँ मैंने। क्या देखा? जिस लड़की को अपना बनाने का सपना देख रहा था उससे वहाँ देखा मैंने। ओ तो ये बात है, इसलिए दारू की बोतल लेके घूमते हो, उस लड़की को भूल जाओ, किसी और की अमानत है, समझे? उसे भुलाना आसान बात नहीं है। जिस तरह अर्जुन की नज़र चिड़िया की आंख पर थी, उसी तरह मेरी नज़र उसकी आंख पर है। ये क्या, खुशी के मौके पर तुम्हारे इन खूबसूरत आंखों पर आंसू, माने कुछ बोला क्या? अरे मुझे बताओ ना। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में जरूर दर्द है, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल तड़प रहा है कावेरी, पता है तुम्हें क्या हुआ? ये तो सिर्फ खुशी के आंसू है। मैं कुछ समझा नहीं। हे दुर्गा देवी, तेरे भरोसे भक्तों पर तो कभी आँच नहीं आने देती, ये सच है जी? हाँ लगता है कोई लॉटरी वाटरी लग गई है तुम्हें। ऐसी बात नहीं है, साये की तरह मेरे पीछे रहकर, मेरी जान बचाकर, मेरी इच्छाओं को पूरा करके, आप जैसे इंसान के साथ मेरी शादी करवा कर मुझे सौभाग्य प्रदान किया है उस दुर्गा देवी ने। तुम्हारी उस दुर्गा देवी की वजह से आज मैं भी बहुत खुश हूँ। पति पत्नी अगर परस्पर प्रेम से रहें तो ही जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। अपने दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को पटरी से उतारे बिना आगे बढ़े तो उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज खुशी का दिन है, हम खुशियाँ मनाते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप मेरी जिंदगी में लॉटरी बन के नहीं, बम्पर लॉटरी बन के आए हैं। देखो तुम खुश हो ना? क्यों खुश नहीं? ये हमारे दाम्पत्य जीवन की पहली सीढ़ी है। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लेकिन? लेकिन क्या है? अरे मुझे बोलने तो दो ना। आज हम दो हैं, कल हम दो से तीन हो जाएंगे और हमारा परिवार बढ़ जाएगा। आपने हमारे भविष्य के बारे में कभी कुछ सोचा भी है क्या? अच्छा अरे मैं हाईकमान से सिफारिश कर दूंगा। हाईकमान? वो कौन है? अरे हमारे लिए हाईकमान और कौन हो सकता है, वही दुर्गा देवी। अरे वहां देखो कावेरी। हाय कावेरी। हाय वंदना। कावेरी मैं फोन करके आता हूँ। जी कहाँ, इतने दिनों से दिखी नहीं, बस ठीक है ना? लो प्रसाद लो। जय दुर्गा, जय दुर्गा, श्री दुर्गा, श्री दुर्गा, जय दुर्गा, जय दुर्गा, श्री दुर्गा, श्री दुर्गा, जय दुर्गा। अरे राजशेखर तुम कितने दिनों के बाद मिल रहे हो आज मुझे? हाँ खुश हो ना? अरे दुर्गा देवी की कृपा से बहुत खुश हूँ मैं आज। अरे राजशेखर तुम तो हम सबको भूल ही गए, सुनने में आया कि तुम्हारी शादी भी हो गई। कम से कम इस दोस्त को तुमने इनवाइट किया होता, याद किया होता, शादी का खाना भर पेट खाता मैं। हाँ देख मन्नू, चट बंगनी पटवा इसलिए किसी को बुला नहीं सका। ओहो माफ कर दो। कोई बात नहीं यार। अच्छा ये बताओ दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है यार, वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। ओहो मतलब लड़की बहुत अच्छी मिली भगवान की कृपा से। हाँ भाई तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो देखो वहाँ जो खड़ी है। कहाँ? अरे वो देखो यार अपनी सहेलियों के साथ खड़ी है। जो हसन की बात करी वही यार। वो? हाँ वही। घर में इतना काम रहता है कि मैं बाहर निकल ही नहीं पाती। अच्छा तुम लोगों से कैसे मिलूंगी? क्या वो लड़की?
क्या तुम उसे जानते हो? नहीं जानता, चलता हूँ मैं। नहीं मनु, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो, दोस्ती की सौगंध तुम्हें बताना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। नहीं मनु, तुम्हें मेरी दोस्ती की सौगंध बताना होगा। देवी माता क्षमा करना, देखो ये मंदिर है, यहाँ ऐसे बातें नहीं करना, मुझे जाने दो। नहीं, तुम्हें बताना ही होगा। देर हो रही, चलता हूँ मैं। मनो मनो, तुम्हें बताना होगा। ओहो, कैसे धर्म संकट में फंसा दिया तूने मुझे, बोलू तो भी समस्या, नहीं बोलू तो भी समस्या। देखो उस रात मैं पूजा करके लौट रहा था, तब देखा कि उस खंडर के पास वो चंद्रपाल उसकी इज्जत लूट रहा था। यदि मैं वहां जाता तो बात और बिगड़ जाती, इसलिए वहां से चला गया। लानत है, ऐसी लड़की को तुमने अपनी पत्नी बनाया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। यही सच्चाई है, अब मुझे जाने दो। मनो, तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच है, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है उसे। मैं दुर्गा देवी की कसम खा के कहता हूँ, ये सच है। ये कहाँ गए होंगे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, इस तरफ बिना बताए आने का क्या कारण? क्या बात हुई, काफी परेशान दिखते हो। नाक पे दम कर दे तूने, मैंने एक फैसला ले लिया। फैसला लेने के लिए ऐसे क्या बात हुई? और क्या बात रह गई, चलो मेरे साथ। ये तुम्हारी देवी माँ ही है ना? इसमें कोई शक है क्या? देवी माँ दुष्टों को ही नहीं, कुकर्म करने वालों को भी सजा देती है, पता है ना? बोलो। तुम कहती हो कि तुम्हारी उस दुर्गा माँ में बहुत शक्ति है ना? सूर्य से भी ज्यादा शक्ति है दुर्गा माता में। नहीं, यदि वो बात सच होती तो आज इसी वक्त तो गूंगी हो गई होती और तुम सदा के लिए अंधी बन गई होती। मैं? किस लिए? ये आप क्या बोल रहे हैं? बेहया, पतिव्रता का नाटक कर रही हो? उस रात पुराने खनर के पास चंद्रपाल ने तुम्हारी इज्जत नहीं लूटी हा? और तूने झूठ बोला कि वन दुर्गा ने तेरी आबरू बचाई। हमारे बीच जो विश्वास का पुल था, जब वो ही टूट गया तो मैं आपको क्या समझाऊं? किसी और ने कहा होता तो मैं मानता नहीं। मेरे बचपन के दोस्त और उस दुर्गा देवी के परम भक्त मनु ने कहा कि तू कुलटा और चरित्रहीन है। नहीं, आपके इस मंगलसूत्र की सौगंध, उस दुर्गा देवी माता की सौगंध, मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, यही सच है। ये सब किसी और से करा, तू झूठ पे झूठ बोल के अब मेरे सामने नाटक कर रही हो, किसे चाहिए तुम्हारी सफाई? अरे चल निकल, निकल जाए घर से। मेरी बात मानिए, मैं सच कह रही हूँ। ऐसे मत कीजिए, आपको दुर्गा माता की सौगंध है, इसे मत तोड़िए। ये पतिव्रता नारी के लिए है, तेरे जैसे कुलटा और चरित्र इनके लिए नहीं। आज इसे मैं तोड़ के रहूंगा। सुनिए, अगर आपको लगता है कि मैं चरित्रहीन हूँ तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ, मगर इस तरह से गले से मंगलसूत्र को तोड़ना गलत है, ये अपशगुन है, ये महापाप है। मंगलसूत्र का तोड़ना महापाप है, लेकिन तेरे जैसे चरित्रहीन के गले में ये मंगलसूत्र शोभा नहीं देता। आज से हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। नहीं, दया करके मेरी बात सुनिए। नहीं, जगदम्बिके, दुर्गा देवी, परमेश्वरी, जिस आदमी ने अग्नि के सामने मेरा हाथ थामा था, आज उसी ने मुझसे नाता तोड़ दिया। उस रात जो वाक्य हुआ था वो सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं, और कौन जानता है? बताओ माँ, बताओ। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी ये सजा मिली है? अरे नंदा, वो कावेरी अपने आप को सावित्री समझती है, लेकिन मनु ने उसे कलंकित कर दिया। अरे मनु, तेरी एक्टिंग तो काफी अच्छी है,
यही चाहता कि मेरी सारी जायदाद तुम्हें दे दूं, लेकिन जायदाद ही नहीं है। अरे चंद्रपाल, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं उसकी गर्दन को ककड़ी की तरह मरोड़ देता। हाँ ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हारी इच्छाओं पर पानी फेरना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने उसको अपनी पत्नी से दूर कर दिया है। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी कांटा नहीं रह गया, समझ गए? आहा आहा, कमाल कर दिया तूने। अब चलता हूँ मैं। हे कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने खुशखबरी सुनाया ना, इसलिए घर जाके पैसे लेके आता दारू पीने। इसमें पैसे की क्या जरूरत है, ये हमारे साथ बैठ के भी तो खुशी मना सकते हो। अरे घर जाना तुम्हारा बेकार है। ये ले, संभल के जाना। हाँ मैं बाद में मिलता हूँ। हे माती जगदम्बे, दुख के सागर में फंसे सभी जनों को बचाकर उन पर अपनी दया और कृपा करो माती, यही मेरी विनती है। हे ईश्वरी गंगा बेटी, तुम्हें रोजाना माता की इस तरह पूजा करती देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटी। सुनिए माँ जी, सभी पूजाओं से बढ़कर इस नवरात्रि पूजा की विशेषता यह है कि ये सभी पूजाओं से ये बिल्कुल भिन्न है, इसीलिए मैं पूजा करती हूँ। लेकिन नवरात्रि पूजा में ही हम हमारे लिए, हमारे चाहने वालों के लिए और इस देश की भलाई और उसकी उन्नति के लिए ही पूजा करते हैं। यदि 9 दिन सच्चे मन से दुर्गा देवी की पूजा करेंगे तो पूजा में भाग लेने वाले उन सभी को सारी संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। इस समय यदि कोई कन्या पूजा करे तो उसकी इच्छा पूरी होती है। सही कहा, बच्चे ही भगवान हैं और बच्चों के मन में कोई खोट नहीं होता। यदि कन्याओं को देवी की वेशभूषा पहनाकर उनकी पूजा करेंगे तो वो देवी कन्याकुमारी दिखाई देंगी। कुंवारी कन्याओं को विवाह का योग और सुहागनों को सदा सुहागन बने रहने का योग, साथ साथ देवी दुर्गा सुखों से रहने का आशीष देती हैं। वो आशीष हमें भी प्राप्त हो। यही हमारे कहानी है। आंटी मुझे घर जाना है। घर जाना है बेटी? देखो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए यहाँ से ले सकती हो। आंटी जब आपने मुझे इस पूजा में भाग लेने को कहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बहुत सारे खिलौने लूंगी, लेकिन ऐसे क्यों कर रही हैं आंटी? बेटी तुम्हारे इन सभी सवालों का जवाब इस जगत की दुर्गा देवी ही तुम्हें विस्तार से दे सकती हैं बेटी। चलती हूँ आंटी। जा रही है बेटा, ये भी ले जा, संभाल के जाना। हाँ जी। हाय गंगा। ये सब क्या है? ये मछली है। मछली घर में दुर्गा देवी की पूजा चल रही है और तुम ये सब लाए हो, तुम्हें पाप लगेगा। तुम्हें पाप लगेगा? देख इसके स्वाद के बारे में तुझे नहीं पता, इसे फ्राई करने के बाद थोड़ी सी दारू ले ली तो उसका अलग मजा है। अरे वो सब तुम्हारी समझ से बाहर है। नॉन वेज हो तो नवरात्रि और भांग हो तो शिवरात्रि। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है, फटाफट से लेके जाओ और फ्राई करके लाओ। जाओ जल्दी जाओ। इसका क्या करना है मैं जानती हूँ। मछली को तो मैंने मार दिया, मुझे मारोगे क्या? काफी मुश्किलों के बाद ये मछली हाथ लगी, अब तुम उसे कचरे में डालोगे? अरे साइड डिश का क्या होगा? ओम शक्ति 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 ओ
ओम शक्ति 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 गंगा एक बात कहूँ क्या है उम्र ढलते ही जवानी भी ढल जाती है लेकिन तेरी जवानी तो बरकरार है चलो मुझे हाथ मत लगाओ भगवान के लिए मुझे हाथ मत लगाओ आज मैं देवी माँ का व्रत कर रही हूँ मुझे हाथ मत लगाना चलो मुझे मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कोई गलत काम मत करना वरना नवरात्रि पूजा करने का कोई अर्थ नहीं होगा देखिए आपके व्यापार की उन्नति के लिए ही ये पूजा कर रही हूँ 6 दिन बीत गए हैं बस थोड़ा सब्र कर लीजिए बस 3 दिन बाकी मुझे हाथ मत लगाइए मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी तो पाप लगेगा चल नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए मुझ पे दया कीजिए ऐसा मत कीजिए वरना देवी माँ का कोप लगेगा आपको छोड़ दीजिए मुझे मत कीजिए ऐसा मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ ऐसा मत कीजिए मुझे कुछ नहीं सुना आज मुझे तुम्हारी जरूरत है चल चल अंदर छोड़ दीजिए मुझे सुनिए ये क्या हुआ आपको मेरे लाख मना करने पर भी आप मन से मत नहीं हुए ये तो देवी माँ का ही कोप है मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ माँ देवी माँ 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 देवी माँ अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसकी सजा मेरे पति को क्यों दे रही है अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसकी सजा आप मुझे दीजिए मेरे पति को क्षमा कर दीजिए उन्हें कुछ मत कीजिए जीवन का प्राण तो जग जननी गौ माती जीवन का प्राण तो जग जननी तू ही नारी विनती तू ही कल्प विनती तू कोटि देव माँ स्वरूपनी तू ही सुंदर है हृदय में तू ही आई थी द्वापर में गोकुल कलयुग में कर तोरे आनंद गोकुल जन्म जननी मेरा मन व्याकुल तुझसे है धन्य सारा देव कुल माता मौन मई माते तू तू ही काम धेनु ध्यान तेरा बसा मेरे मन में माली मांगल्य तू है माती मानू सम्मान करू तेरा मैं तो मन से मान सम्मान करू तेरा मैं तो मन से माती कौन हो तुम मेरा नाम गंगा है तुम्हारी आंखों में आंसू मेरे पति के देवी के कोप की वजह से हाथ पांव ऐंट गए हैं बुजुर्गों का कहना है देवी श्लोक का निरंतर जप करने से वो ठीक हो जाएंगे क्या तुम मेरे घर आके उनके लिए जप कर सकती हो दया करके मेरे घर आ जाओ मेरे सुहाग को बचाओ माती कनक दुर्गे उन्हें इस पाप मोचन से पूर्णता मुक्ति दिलाना आपका धर्म है माती मैं आऊंगी देवी की कृपा
और मेरे श्लोक जपने से यदि कोई रोग मुक्त होता है तो इससे बड़ी खुशी मुझे और कहाँ मिलेगी। चलिए। हाँ माँ। मुझे बुलाकर इस तरह चकित होकर क्यों देख रही हो? मैंने बुलाया? तुमने बुलाया इसलिए मैं आई।
आश्चर्य है, उम्र में तो छोटी बालिका है लेकिन मुखमंडल देवी समान है। कौन है बेटी तू? अच्छा मैं कौन हो सकती हूँ? तुम तो दुर्गा देवी लगती हो बेटी। वही समझो। अच्छा मुझे बुलाने का कारण क्या है? कारण? हाँ वो देखो, देखो मेरे पति की रक्षा करने आई उस लड़की ने देवी मंत्रों का उच्चारण करते करते वो मर गई। ओहो, रोग से मुक्ति दिलाने के लिए उसने स्वयं की आहुति दे दी। इसका क्या अर्थ है माते? अर्थात रोगी के रोग ठीक करने के लिए स्वयं की आहुति देकर और रोगी में प्राण फूंकने की क्रिया है ये। ये बात है? हे भगवान, मेरे पति की प्राणों की रक्षा करने के लिए इस लड़की ने अपने प्राणों की आहुति क्यों दी? तुम्हारे दुख अब मेरे दुख हैं। चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना। तुम्हारी सारी परेशानियाँ अब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभालूंगी। जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अब इस कन्या को पीले वस्त्र पहनाकर बाहर लेटा दो। सुनो, इस कन्या को तुरंत अर्थी पर लेटा दो। आरती पे लेटा दो? ये क्या कह रही है? बेटी मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। शुभ कार्य करने से पहले एक अशुभ कार्य करना अति आवश्यक है, नहीं तो दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। हे मूर्ख, इस तरह हाथ पे हाथ धर के क्यों खड़े हो? इस कन्या ने तुम्हारी प्राण की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। ये तुम्हारी माता समान है, जाओ उसकी परिक्रमा करो, जाओ। जाओ इसकी परिक्रमा करो। यूं आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? जाओ शीघ्र परिक्रमा करो। ठीक है। अब तुरंत इस हंडी को तोड़ो और इसके पश्चात नदी में जाके स्नान करके आओ। जी। अब इस कन्या को सोने के लिए शयन कक्ष में भेज दो। ये सब यहाँ से हटाओ और श्मशान घाट में जाकर डाल दो। बिना पीछे मुड़े आ जाना। चिंता मत करो बेटी, जो ही ये निद्रा से जाग जाएगी इसे गंगा जल पिला देना, ये जीवित हो जाएगी। ठीक है माते। मैं प्रस्थान करती हूँ। रुकिए माते, इनकी प्राण बचाकर आपने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? लो पियो। माँ दुर्गे, तेरा ये उपकार मैं अपने 7 जन्मों तक भी नहीं भूलूंगी। धन्य हो माँ। सब दुर्गा देवी की महिमा है। माता दुर्गा मेरे शरीर में प्रवेश करकर मेरे द्वारा तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। मैं चलती हूँ। कहाँ जाओगी? जहाँ से मैं आई हूँ वही जा रही हूँ। ये बताओ तुम्हारे भाई बहन माता पिता वगैरह कोई हैं? मेरे लिए सब कुछ देवी माता है। इस दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई है तो वो गौ माता लक्ष्मी ही है। वही इस अनाथ का सहारा है। नहीं ऐसा मत बोलो, अब तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारी एक दीदी है। मैं हूँ ना? हूँ। हाँ मैं तुम्हारी दीदी, अब से इस घर को अपना घर समझ के रह सकती हो। और उसे भी यही बुला लो, वही तुम्हारी लक्ष्मी, वो भी यही रह सकती है। नहीं दीदी, मैं किसी पर बाहर नहीं बनना चाहती। इसे बाहर नहीं कहते? तुमने मेरे पति को जीवन दान दिया है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मेरी बात मान लो, दया करके यहीं रह जाओ। जैसे आपके आगे। और पीने वालों को पीने का बहाना नहीं, आप मत पीजिए। सुनिए, आपने वादा किया था कि आप नहीं पियेंगे, आपने फिर से पीना शुरू कर दिया। मैंने तुमसे बाहर नहीं पियूंगा कहा था, लेकिन घर के अंदर पियूंगा। देखिए आपको याद है एक बार मेरा व्रत भंग करने के कारण देवी माँ ने आपको एक सबक सिखाया, उसके बाद भी आप। अरे किसका नाम ले रही हो? देवी देवी कह के मेरा दिमाग काट रही हो तुम।
कोई देवी नहीं देवता नहीं। हे माते। बैठो सुनो, इंसान के शरीर में अगर ताकत नहीं तो वो मर जाएगा, हाँ, लेकिन इसके पीने से ताकत आ जाएगी। चलो पी लो। एक तो खुद पाप कर रहे हैं, ऊपर से मुझे भी उकसा रहे हैं। अरे ये क्या, तुम तो ऐसे करोगे जैसे मैं शराब पी के किसी गटर में गिर गया हो। अरे गटर में ना गिरे इसलिए मैं पी रहा हूँ, तुम भी हद कर देती हो। खैर जाने दो। अरे तुम जिस देवी माँ की पूजा करती हो ना, उस देवी माँ के पास जाके मेरे लिए पैसे लेके आ जाओ। देखिए वो देवी माँ हमें अवश्य सुख संपत्ति देगी। हाँ सुख संपत्ति देंगे, जैसे उस कालिदास को काली ने ज्ञान प्रदान किए। मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, चेक बुक देने के लिए कहो ताकि मैं उधार उधार चुका दूं। अगर तेरी देवी में शक्ति है तो वो जरूर देंगे। देखिए उस कालिदास ने देवी की पूजा करके ज्ञान प्राप्त किया, ठीक वैसे ही तुम भी देवी की पूजा करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है वैसे ही करूँगा, पहले देवी माँ से पैसे लेके आओ, तब तक मैं इसका मजा लेता हूँ। नहीं, मैं आपको पीने नहीं दूंगी। गंगा गुस्सा मत दिला मुझे, हाथ ला। नहीं मैं आपकी तबीयत खराब होती नहीं देख सकती। गुस्सा मत दिलाओ। नहीं मैं आपको पीने नहीं दूंगी। तो दारू पीने से सुकून मिलता मुझे, तूने दारू की बोतलें तोड़ दे क्या करूँगा। मर जा, कल को ही कहेंगे। दीदी क्या है, हाँ क्या बात है? दीदी किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। नहीं कोई नहीं चिल्ला रहा था, वो मेरे पति है ना, वो हंसी मजाक कर रहे थे, उसे सुनकर हाँ हाँ करके मैं हंस रही थी, वही तुम्हें सुनाई दी होगी। ओ जीजा जी आपसे इतना प्यार करते हैं? हाँ ओ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर मैं एक मिनट के लिए भी उनकी नजरों से दूर हुई तो गंगा कहाँ है गंगा कहाँ है कहके पूरा घर सर पे उठा लेते हैं वो। ये क्या है दीदी? क्या होठों पे खून? खून खून आ रहा है, वो मजाक कर रहे थे ना, उनकी बात सुनके मैं जोर जोर की हंस रही थी और खंबे से टकरा गई। हाँ और उसके बाद ना मैं पता नहीं कैसे इस सोफे पे गिर पड़ी, और सोफे पे जैसे ही गिरी तो मुझे ये खून। बेकार की बातें मत करो, मुझे काम है। गंगा वहां क्यों खड़ी है? हाँ गंगा अपनी दुर्गा माँ से पैसे लाए या नहीं? जवाब दो, आखिर क्या समझ कर रखी है तूने मुझे? तेरी तो ओ, 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 कल मोही कहेगी। तुम? हाँ मैं। अपने आप को क्या समझती हो? अपनी देवी जैसी पत्नी पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? छी लानत है तुम पर, वो अबला नारी है इसलिए उस पर हाथ उठाते हो। अरे भुवंकर वो मेरी पत्नी है, मैं से मारूंगा पीटूंगा, तू कौन होती है पूछने वाली? हाँ मैं कौन हूँ? गंगा दीदी ने मुझे छोटी बहन होने का स्थान दिया है, अगर दीदी पर अत्याचार करोगे तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। भाषण बंद कर, वो नीच औरत है। क्या वो नीच औरत है? तुम्हारी पत्नी नीच औरत है? उस देवी ने अपनी सिंदूर की लाज बचाने के लिए तुम्हारे हर अत्याचार को सहा है, अगर तुम उनके शरीर के हजार टुकड़े भी कर दो तो भी उनमें से एक टुकड़ा भी माता दुर्गा से तुम्हारी कुशलता के लिए प्रार्थना करेगी, क्योंकि वो इस भारत देश की पुत्री है। शाबाश डायलॉग अच्छा बोलती हो। सुनो ये डायलॉग किसी फिल्म के डायरेक्टर को जाके सुनाओ, मुझे नहीं। देखो इस घर का मालिक मैं हूँ और मेरी ही हुकूमत चलेगी। अरे तुम्हारी बात सुनकर मैं खड़ा हूँ, अरे मैं पागल हो जाऊंगा। अरे गंगा दुर्गा दुर्गा क्या है दीदी? ये बताओ तुम जोर से बातें कर रही थी, वो गुस्से में है क्या? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है,
तुम जानती हो जीजा जी की हंसी मजाक की आदत। उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया था जिसे सुनकर मैं भी जोर जोर से हंसने लगी और अचानक जाकर खंबे से टकरा गई। तुम्हारे होठों से तो खून निकल रहा है, ये बताओ ये चोट कैसे लगी तुम्हें? नहीं दीदी, कहा ना, हंसे से जैसे ही मैं मुड़ी मेरा पैर फिसल गया और मैं खंबे से जाकर टकरा गई, इसीलिए मुंह से खून आ गया होगा। इधर देखो, उस दिन जो मैंने तुमसे कहा आज तुम वही सारी बातें दोहरा रही हो ना। दुर्गा, इन कष्टों को झेलने की आदत सी हो गई है, अब दुर्गा माता की कृपा से मेरे भी अच्छे दिन आएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। दीदी, सीने में इतने सारे दुखों को रखकर और चेहरे पर बनावटी हंसी लाकर आखिर कब तक जियोगी दीदी? जिस नारी में सब कुछ सहने की शक्ति है उसे कोई नहीं हरा सकता। दीदी मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? दीदी तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जीजा जी भी तुम्हें कोसते रहते हैं, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। देवी माता ने मुझे गाने की शक्ति दी है, पहले भी मैं मंदिर और बड़े समारोह में भक्ति गीत गाया करती थी, मैं फिर से गाना शुरू कर पैसे कमा कर तुम्हारी तकलीफें दूर करूंगी। दुर्गा। हाँ दीदी, मैं सरस्वती देवी से विनती करती हूँ कि वो मुझे गाने की शक्ति दे। दुर्गा तुम मेरी बहन नहीं, माँ हो बेटी, माँ। Thank you.
ये क्या दीदी, रोजाना मेरी नजर क्यों उतारती हो? लोगों की नजर जो लगी है तुम्हें, पत्थर की मार से हम लोग बच सकते हैं लेकिन नजर की मार से कोई नहीं बचता। देखा नहीं लोग कैसे घूर घूर के देख रहे थे। सुना है राग मल्हार गीत सुनकर बारिश होने लगती है, लेकिन तुम्हारे मुंह से राग मल्हार गीत सुनकर ऐसा लगा जैसे संगीत वर्षा हो रही हो। अरे ये तो कुछ नहीं, हमारी दुर्गा तो शीघ्र सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन जाएगी। अरे जब ये नाचती है ना तो लोग भी झूम उठते हैं। उस देवी माता की कृपा से आज हमारे पास जमीन जायदाद कार बंगला सब कुछ है, इससे ज्यादा इंसान को और क्या चाहिए। दुर्गा ये आदमी इस जन्म में नहीं बदलने वाला, तू जाके कपड़े बदल कर खाना खाएंगे। दीदी कल बैंक में जमा कर देंगे। हाँ अरे गंगा गंगा गंगा, अरे मुझे भी कुछ पैसे दे दे। पैसे चाहिए? कभी नहीं दूंगी। थू, अरे ये दुर्गा के पैसों को अपना ही पैसा समझती है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। बेटी कावेरी, तुम्हारे पति ने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया और तुम्हारा तिरस्कार किया। हम माता से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा पति तुम्हारे पास वापस आ जाए। कावेरी बेटी, इसे दुर्गा माता का प्रसाद समझ के अपने गले में बांध लो, तुम्हारा सुहाग तुम्हें मिल जाएगा। जी हाँ बहन, मेरी बेटी कावेरी की जिंदगी सवर जाए और उसकी जिंदगी में फिर से बाहर आ जाए, यही मेरी आशा है। वही दिन देखने के लिए इस बूढ़ी माँ की आंखें तरस रही है। बेटी तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, जैसे मैं कहती हूँ तुम ठीक वैसा ही करो। बेटी घर घर जाकर माता के नाम पर तुम भिक्षा मांगो, माता ने चाहा तो तुम्हारा पति तुम्हारे पास जरूर आएगा। माती देवी अंबिका, आपने मुझे जीवन दान दिया है, इनके कहे अनुसार मैं भिक्षा मांगूंगी। हाँ माँ, हाँ मैं खुद अपने हाथों से घर घर जाकर भिक्षा मांगूंगी और आपको चढ़ावा चढ़ाऊंगी, लेकिन आप मेरे पति को मुझसे जरूर मिलाइए माता, कृपा कीजिए। क्या बात है लक्ष्मी, आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? तुम तो हमारे घर की महालक्ष्मी हो, अगर तुम रूठ गई तो चलो खा लो ना। मैं जानती हूँ तुम हम जैसे बोल नहीं सकती हो, पर तुम्हारी आंखों से ही मैं सब कुछ जान लेती हूँ। तुम मेरी माता समान हो, हर माँ यही चाहती है ना कि बच्चे पहले खाएं। ठीक है तुम चाहती हो तो मैं ही पहले खाती हूँ। अब खुश हो ना, तो लो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, आइए मिस्टर राजशेखर। पूजा करने के बाद आप सीधे ऑफिस आ जाइए मैडम। हाँ आज इतनी जल्दी कैसे? आज आपके गायन के प्रोग्राम में जाना है मैडम। एक मिनट, उसे कंफर्म कर दो। ठीक है मैडम। सेक्रेटरी है? हाँ ये बात है, मैं देखता हूँ। नमस्कार गुरु। अबे गवार कहीं के, अंग्रेजी में बोलो। सॉरी सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। ये क्या हाल बना रखा है, सर्कस के जोकर की तरह लग रहे हो। मैं जोकर नहीं हूँ, मैं तो मालिक आपका अंग रक्षक हूँ। हाँ। और आपके बॉडी गार्ड को तो अपनी बॉडी बना के बॉडी को दिखा के चलना चाहिए और टाई लगा के चलना चाहिए, यही तो आपने हमें सिखाया है और यही हमने आपसे सीखा है। क्यों सही था? अरे मेरी इज्जत का फालूदा क्यों निकाल रहे हो, चल बैठ इधर चल।
अरे मैं मुसीबत में बुरी तरह फंस गया हूँ। मुसीबत? मुसीबत तो नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई मुसीबत? ओ दारू पीने के बाद ढूंढेंगे उसे बॉस। हाँ, तू क्या मुसीबत बताएगा, बात खुद ही बता देंगे मुसीबत को दारू पीने के बाद। अरे तुम जो समझ रहा है वो बात नहीं है, मेरी मुसीबत तो कोई और है। आपकी मुसीबत क्या है आप मुझे बताइए, मैं तो पल भर में ठीक कर दूंगा। आपके पास कमी क्या है, आपके पास तो पैसे हैं, बंगला है, कार है, पीने के लिए विलायती दारू है, मेरे पास क्या है? दस भीख मांगते रहो बस। तुमने सही फरमाया, अरे भीख तुम नहीं मैं मांग रहा हूँ। वो जो दुर्गा है ना अनाथ लड़की, उसने एक सेक्रेटरी को नियुक्त कर लिया है। अरे मेरे होते हुए सेक्रेटरी को कैसे रख लिया? सेक्रेटरी तो है ना, आपका क्या जाता है? अरे अरे ये क्या कर रहे हो, उसके आते ही मेरा बेड़ा गर्क हो गया है। क्यों, वो इस लायक नहीं है क्या? वो इसलिए कि वो पहले मेरे साथ रहता था, वो तो बहुत ही काबिल है। काबिल? उसका सेक्रेटरी बन के उसके साथ रहना सही नहीं है, वरना एक दिन हमें शराब बना के पी जाएगा। हमें शराब बना के पिएगा? मेरे रास्ते आया तो खत्म करके रख दूंगा मैं उसे। क्या हुआ? कंकर है। कंकर? कंकर कैसे आया? स्वादिष्ट खाना खाते वक्त अगर कंकर मिल गया तो खाने का मजा ही किरकिरा जाता है। जैसे किसी बेवकूफ आदमी के घर आने से सुख चैन छीन जाता है। ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं हुआ, दुर्गा ने एक सेक्रेटरी को रखा है ना, उसी के बारे कह रहा था। संगीत कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक आदमी मेरे पास आया था, वो मुझसे काम मांग रहा था तो इसलिए मैंने उसे अपॉइंट कर लिया। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता, मेरा मानो तुम उसे यहाँ से भेज दो जल्दी। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, हमारी मदद करने के लिए आया है वो। एरो ग्यारों को आने के लिए ये कोई सराय नहीं है, वो धूर्त आदमी है, उस पर विश्वास मत करना। उस आदमी में कितनी काबिलियत है उसे नहीं पता, दूसरों की बुराई करने से पहले खुद में कितनी काबिलियत है ये पता होना चाहिए। देखा गंगा, एक मामूली सेक्रेटरी के लिए वो खाना छोड़ के चली गई। वो सूरज को देख के थूकोगे तो वो थूक हम पे ही गिरेगा ना। आप खाइए, मैं आती हूँ। ये बात है, मैं दिखाता हूँ उसे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपने मुझे आने के लिए कहा, क्या बात है? पीने के लिए कुछ लाऊं? नहीं नहीं शुक्रिया। हमारी दुर्गा ने अभी तक जो कुछ भी गाना गाकर कमाया है वो देवी दुर्गा माता के मंदिर को समर्पण करना चाहती है, इसलिए जो भी कानूनी कार्यवाही है आप देख लीजिए। अच्छी बात है, इससे संबंधित जो भी कागजात है मैं तैयार कर दूंगा। आप एक अच्छा दिन बताइए, मैं आ जाऊंगा। जी, शुक्रवार को दुर्गाष्टमी है, वो दिन शुभ रहेगा, उसी दिन ये काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अपनी सारी जायदाद मंदिर के नाम करने वाली है, इस घर में एक जिम्मेवार आदमी हूँ मैं, ये बात किसी को मालूम नहीं हा? आज जो भी हाथ आया उसे लेके ही जाऊंगा, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। क्या हुआ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कहाँ गए? बहुत खूब, मैं जानती थी किसी रोज तुम ऐसा काम जरूर करोगे, इसीलिए सारे गहने ले जाकर मैंने बैंक लॉकर में रखवा दिए हैं। छोड़ो छोड़ो,
जब तक मैं जिंदा हूँ तब ही अकड़ के चलोगी तुम। जी। ओए, मैं भी एक घंटे से देख रहा हूँ तुम दोनों पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हो। अरे मैं घूम नहीं रहा हूँ, मैं तो दिमाग से थिंक कर रहा हूँ। थिंक कर रहे हैं आप? अरे आपने पैसा मांगा होता तो कुछ नहीं करता, जेब में हाथ डालता, निकाल के 100 रुपए दे देता। आपको चाहिए आइडिया? क्या बताऊं, जब से वो राजशेखर यहाँ पर आया है आपको ग्रहण लग गया है। ग्रहण उसके आते ही आपकी किस्मत का मटका बंद हो गया। एक दिन वो यहाँ इसके अंदर आएगा और आप घर के बाहर होंगे और हम उसके बॉडी गार्ड होकर उसके चारों ओर घूमेंगे। मालिक आड़ी आ गया दिमाग में। तो जहर पियो क्या? अरे जहर तो चूहे पीते हैं। तो क्या है, जल्दी बखो ना। शेर की तरह हमला कर दो। अरे उल्लू, हमले से क्या फायदा होगा ये बोलो, अब क्या करो बताओ। ये रहा हथियार, इसी से उसको उसको जो है मार डालो। अबे गोबर गणेश, उस सेक्रेटरी का कत्ल करने से क्या फायदा होगा? फिलहाल जायदाद की बात वकील तक पहुंच गई है। बस एक आइडिया, ना होगा वकील ना होगी दलील। और उस वकील के मरते ही केस खलास। बेबुरबक, बस मैं कत्ल करूंगा लेकिन सेक्रेटरी राजशेखर का नहीं। फिर दुर्गा का? हाँ, दुर्गा का। हाँ मालिक, दुर्गा मर गई तो दुर्गा की प्रॉपर्टी आपकी पत्नी को मिल जाएगी, आपकी पत्नी को मिल गई तो आपको मिल जाएगी, और आपको मिल गई तो फिर मालिक हमको भी थोड़ा थोड़ा। ये भी योजना आपके लिए परियोजना बन गई क्या? अरे खून करना तो आपके लिए दाढ़ी बनाने जैसा है। मैंने एक फैसला ले लिया है, कल दुर्गा संगीत प्रोग्राम में जाएगी तो मैं उसका काम हमेशा के लिए तमाम कर दूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, एक बना हुआ भिखारी भिखारियों के बीच में आकर बैठा हुआ था, इसलिए मुझे भगा रहे थे। अरे मन्नू, कौन है? मैं हूँ राजशेखर। मन्नू, मैं राजशेखर। राजशेखर मन्नू, क्या हुआ तुम्हें? राजशेखर, राजशेखर मन्नू, राजशेखर मन्नू, मेरा राजशेखर। मन्नू क्या हुआ? मन्नू क्या हुआ तुम्हें? बताओ मन्नू क्या हुआ तुम्हें? मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि तुम्हारी ये दशा होगी मन्नू। अरे राजशेखर मैं क्या बताऊं, मुझे मेरे किए की सजा उस दुर्गा माता ने यहीं पर दे दी। मैं तुमसे मिलके क्षमा मांगना चाहता था, अपने किए पापों का प्रायश्चित ढूंढना चाहता था, इसलिए मैं आके बैठा था तुम्हारे इंतजार में। तुम्हारे इंतजार में राजशेखर, उस दुर्गा माँ ने आखिर मुझे तुमसे मिलवा ही दिया। मेरी बात सुन रहे हो राजशेखर? राजशेखर, राजशेखर, एक बार तुम उसे कहो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया, तब जाके मेरे मन को शांति मिलेगी। मैं तुम्हारे पकड़ने को तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो। उठो मनु। राजशेखर, तुम्हारी पत्नी कावेरी बेकसूर है, वो गंगा की तरह पवित्र है। राजशेखर, उस चंद्रपाल के दिए चंद कागज के टुकड़ों की लालच में आकर मैंने तुम्हारी पत्नी को उल्टा कहा। मैंने उल्टा कहा तुम्हारी पत्नी को। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी का मेरी गंगा की तरह पवित्र है। ओह मन्नू, तुमने ये क्या कर डाला मन्नू? सच कह रहा हूँ, उस चंद्रपाल की बातों में आकर मैंने तुमसे झूठ कहा कि मेरी आंखों के सामने उसने इज्जत लूटी थी। मेरे किए की सजा मुझे दुर्गा माँ ने दे दी, मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। वो दुर्गा माँ इस संसार की
पराशक्ति है। मैंने उनके मंदिर में तुमसे झूठ बोला था राजशेखर, कि मैंने अपनी आंखों से वो सब देखा था। मुझे अपने अपने किए की सजा यहीं पर मिल गई है, मिल गई राजशेखर। मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ। वो दुर्गा माही मेरी रक्षा कर सकती है, राजशेखर, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों फिर से एक साथ अपना दाम्पत्य जीवन खुशी गुजारो। बस यही मेरी प्रार्थना है। जानता हूँ कावेरी बेकसूर है, मुझे पता है कावेरी मुझे माफ कर देगी। कावेरी के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। कावेरी, 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 अंदर आओ, बैठो। आप कैसी हैं माँ? हाँ, अच्छी हूँ। तुम कैसे हो बेटी? आज शुक्रवार है, माता को खीर बहुत पसंद है। मैं जब खीर बना रही थी तो दूध उबल के नीचे गिर गया, तभी मैं समझ गई थी कि आज जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। जानते हो बेटा राजशेखर, माता दुर्गा ने मुझे पहले से ही इस बात की सूचना दे दी थी। जो कुछ भी हुआ उसे एक सपना समझकर भूल जाइए माँ जी। हे माता, ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारा आना ही हमारा सौभाग्य है। कावेरी को ये पता चलेगा तो वो कितने खुश होगी पता है? अच्छा माँ जी, कावेरी कहाँ है? काम पर गई है। क्या, काम पे गई है? हाँ बेटा, जब से तुमने उसे छोड़ा है उसने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली। उसकी भलाई के लिए मैंने खुद उसे काम पर जाने के लिए मजबूर किया है। जल्दबाजी में आकर मैंने ही गलत कदम उठाया, मेरी वजह से आज कावेरी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बेचारी, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे रे, ऐसी बातें नहीं करते, पति पत्नी के बीच तो ये आम बात है। ओहो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। अरे नहीं, रहने दीजिए माँ जी, आज मैं जरा व्यस्त हूँ, किसी और दिन आके खाऊंगा। अरे माँ जी, कल ही आ जाऊंगा मैं। कावेरी से कहना कि मैं उससे मिलने आया था। ठीक है बेटा, चलता हूँ। कितना अच्छा गला दिया है सरस्वती माता, सचमुच इस पे बहुत धन्य है। सॉरी मिस्टर राशिका, आज ड्राइवर नहीं है, आपको तकलीफ तो नहीं? कोई बात नहीं, चलिए। माता दुर्गा देवी की कोई भी कैसेट लगाओ ना। क्या हुआ राजशेखर? देखता हूँ मैडम।
मैडम पेट्रोल की पाइप खुल गई है और पेट्रोल भी खत्म हो गया है। थोड़ी दूर पे पेट्रोल पंप है, मैं जाके पेट्रोल लेके आता हूँ। ठीक है। ओ, तुम हो? मैं ही हूँ। जानना चाहती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए ऊपर भेज दूंगा। मैं पहले से जानती थी कि तुम्हारी इरादे नेक नहीं है। बहुत खूब। मैंने सुना कि तुमने अपनी सारी जायदाद मंदिर के नाम कर दी है और सारे जेवरात बैंक के लॉकर में। ये सब किसे पूछ के किया? मेरी दौलत मेरी मर्जी, मैं किसी के भी नाम करूं? ओहो, तेरी दौलत तेरी मर्जी। सुनो, मैंने तेरे ड्राइवर को तुझसे दूर कर दिया है, यही मेरी चाणक्य की नीति है। अब समझ गई ना मैं कौन हूँ? पतंगे को पता नहीं होता है कि दिए में आग है, वो सोचता है कि वही हिम्मत वाला है। पतंगे दिए के लौ से टकराकर बेमौत मर जाते हैं। मुझे मारकर तुम्हें चैन मिलेगा ऐसा सोचना बुद्धिमता नहीं, मूर्खता है। तुम्हारी मौत से ही मेरी जिंदगी आबाद होगी। मेरी मरने से किसी को खुशी मिल सकती है तो वो मौत मुझे भी खुशी देगी, लेकिन जीजा जी मेरी मौत से आप बर्बाद हो जाएंगे। खुद को दुर्गा समझती हो जो श्राप देते ही भस्म हो जाऊंगा? ये मौत का फंदा है, आज तेरी जान लेके ही रहूंगा। चले मैडम। मैडम 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 क्या हुआ? सर मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ये मैडम मेरे बॉस हैं। ये बेचारी बेहोश है, इसलिए मैं इन्हें अस्पताल लेके जा रहा हूँ। मुझे छोड़िए सर, जाने दीजिए प्लीज। जिसने खून करते हुए देखा उन्होंने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है। सर मैंने खून नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे यकीन कीजिए सर। कॉन्स्टेबल ले जाओ इसे। कावेरी बेटी, जानती हो कई दिनों से मैं यहाँ फूल बेच रही हूँ पर तुमने एक दिन भी अपने घर के अंदर नहीं बुलाया। कहो क्या बात है, आज अंदर बुला लिया? आज का दिन बहुत खास है। क्या खास बात है, तो मिठाइयाँ कहाँ है, खिलाओ ना। मिठाइयाँ जरूर खिलाऊंगी, आज मेरे पति देव आ रहे हैं ना। हाँ अच्छा ऐसी बात है, अब समझ गई इस खुशी में फूल ले रही हो। हाँ आप सही समझी, माता की कृपा से वो आज यहाँ आ रहे हैं। आहा दैया रे दैया, तो ये बात है, तुम्हारे पति के आने की खुशी में अब मैं तुम्हारे घर खा के जाऊंगी, ऐसी दावत रोज रोज कहाँ मिलेगी। अरे तेरी सदके जावा, कावेरी भोजन के समय मुझे भूल न जाना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। जूड़ी पे गजरा लगाकर, माथे पर बिंदिया सजाकर, जब मैं अपने पति के सामने पूरा श्रृंगार करके जाऊंगी तो वो खुशी से बाग बाग हो जाएंगे। उसी दिन की प्रतीक्षा में मैं आस लिए बैठी हूँ। हो इसलिए तुम्हारा चेहरा इतना खिला हुआ है। अच्छा एक काम करो, आज 20 रुपया का फूल ले लो।
नहीं, 10 रुपए के काफी हैं। अरे बस 10 रुपए का, तुम 20 रुपए का ही ले लो। ले लो ले लो कावेरी बेटी, ये फूल रात भर नहीं मुरझाएंगे। ले लो ले लो ले लो। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम राजशेखर वल्दे प्राणशेखर को अपनी मालकिन दुर्गा की जायदाद हड़पने के खातिर उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल किया, लिहाजा ये अदालत ताज रात हिंद दफा 302 के तहत मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म देती है। किस जन्म का ऋण चुकाने के लिए आई थी, अपनी जान देकर हम सबकी जान बचाई तुमने, इस छोटी सी उम्र में अपनी जान गवा बैठी। तुम्हारा जीवन यही समाप्त हो गया, तुमने जीवन में कोई सुख नहीं भोगा। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मैं ये सब भुगत रही हूँ। मालकिन, लक्ष्मी कुछ खा नहीं रही है, बस रो रही है। देखा तूने, मैं अभी आई। लक्ष्मी क्या बात है, हाँ क्यों रो रही है, तू कुछ खाती क्यों नहीं है? दुर्गा के जाने का दुख क्या सिर्फ तुम्हें है, हमें कोई दुख नहीं है। वो मेरी बेटी जैसी थी, वो मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आई थी। इस दीदी को अकेला छोड़कर चली गई। भोजन खाते समय दीदी मेरे हाथों से खाओ ऐसा कहती थी। तू जानती है ना मेरा कौन है इस दुनिया में, सिर्फ वही तो मेरी अपनी थी। देखो लक्ष्मी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं और मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। देखो अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, कसम से कुछ नहीं खाऊंगी। मैं जाके इन फलों को कहीं फेंक दूंगी। क्या बात है, तू खाएगी? मैं जानती थी तुझे भूख लगी होगी, मैं अभी खिलाती हूँ। ले खा ले। हाँ नीचे गिर गया है दुर्गा, मैं भी खाती हूँ। हाँ तू खा ले खा ले। हाँ ये भी। हाँ बहुत प्यारी है। और चाहिए ना, खा ले। गंगा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, मन ठीक नहीं है। ओ दुर्गा की बात है, क्या करें बेचारी मर गई, मुझे भी उसकी मौत पर बहुत दुख है। खैर छोड़ो, एक काम कर, तुम कपड़े बदल कर जल्दी से आओ। कहाँ? अरे घूमने नहीं, बैंक में जाके कुछ पैसे लेंगे। अरे दुर्गा के पैसे तुम्हारे बैंक में जमा है इसीलिए बोल रहा हूँ। कभी नहीं, वो पैसे मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। उसकी संपत्ति को दुर्गा माता के मंदिर में अर्पण कर दूंगी, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे गंगा तुम भी बचकानी बातें करती हो, उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वो पैसे तुम मुझे लाके दोगी। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो गंगा, मैं अय्याश किस्म का आदमी हूँ और बचपन से ही पैसे पानी की तरह खर्च करते आ रहा हूँ। लगता है मुझे बुरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, बुरे रास्ते पे मत जाइए। अच्छा अगर तुम चाहती हो कि मैं बुरे रास्ते पर ना चलूं तो सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। अच्छी तरह सोच लो वरना पछताओगे। माते तुम निर्दय नहीं, तुम निदानी हो। हर वक्त तुमने मेरी परीक्षा ली है, तुमने सिर्फ मेरी आबरू ही नहीं बचाई बल्कि मेरे पति का भी मन बदल दिया। इस सुहागन पर जो संकट की घड़ी आई है उसे सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो। मेरे पति जेल में हैं, उन्हें फांसी होने वाली है, उनकी जिंदगी की रक्षा करना
तुम्हारा कर्तव्य है माते। इस श्रद्धालु की प्रार्थना स्वीकार करो माते। जगदम्बे श्री दुर्गे, मेरी इस मंगलसूत्र की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। ये नवरात्रि तुम्हारे लिए शुभ रात्रि है, लेकिन मेरे पति के लिए ये अशुभ रात्रि है माते। यदि नवरात्रि में मेरे पति मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हारे चरणों में जान दे दूंगी। माता देवी, मैंने सुना है कि तुम अपने पत्तों की मनोकामना पूरी करती हो, लेकिन याद रखो माता, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो इस जन्म के अब मैं 7 जन्मों तक तुम्हारी पूजा नहीं करूंगी। माते, अगर इस नवरात्रि के अंदर मेरे पति मेरे पास नहीं लौटे तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारे इन्हीं चरणों में आकर अपने प्राण त्याग दूंगी। माते माँ, दया करो, इस सुहागन पर करना बरसाओ माते। जब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, नहीं हिलूंगी, नहीं हिलूंगी। माते, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दो माते, आशीर्वाद दो माते। तो
गंगा, गंगा, क्या हुआ तुम्हें? खूनी, खूनी, तूने एक मासूम लड़की का खून किया, तू एक राक्षस है। देवी माँ तुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। कौन? ये क्या बोल रहे तुम? झूठ मत बोलना, मैं सब जानती हूँ। संगीत कार्यक्रम के बाद दुर्गा जब घर लौट रही थी तो तुमने उसका खून करके उस आरोप को बेकसूर राजशेखर के ऊपर थोप दिया। अब उसे फांसी की सजा मिलने वाली है। तुम उस कानून की नजरों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन उस धर्म की देवी से तुम बच नहीं सकते हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। गंगा, गंगा, दुर्गा का खून करते हुए मुझे किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन ये बात गंगा कैसे जानती है? जरूर दाल में कुछ काला है। Thank you.
फिर। गंगा ज्वाला, गंगा ज्वाला 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 नजर आती है मेरी सिंदूर में। खूनी झूठ बोलने वाले और ओछे काम करने वालों को जलाकर भस्म कर देता है ये सिंदूर। चलो छोड़ो, आकर खाना खा लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों, भूख नहीं है? अच्छा चलते हैं। तो चलो। चलो खाओ ना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इसमें जहर नहीं है, खाओ। खा क्यों नहीं रहे? तुम्हारे मन में कोई चिंता है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मन में कुछ नहीं है तो भूख लगनी चाहिए। अरे किसने कहा भूख नहीं है, खाऊंगा मैं। हाँ हाँ तो खाओ ना। अरे तुम भी खाओ। मैं तो जरूर खाऊंगी। क्यों देख रहे हो? ये तो अभी शुरुआत है। ओ, इस वक्त इसे क्या हो गया? चलने रहिए। क्या हुआ? बहुत गर्मी लग रही है, मैं पंखा झल देती हूँ, तुम सो जाओ। क्या हो गया? तूफान, गंगा जल्दी आओ। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तूफान आ गया, तूफान आ गया गंगा, तूफान। तूफान बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर है। चुपचाप सो जाओ। क्या हुआ? तुम्हें तो पसीना आ रहा है, क्या हुआ? नहीं गंगा, नहीं छूना, नहीं, अरे नहीं नहीं छूना, नहीं नहीं छू। क्यों नहीं छू? याद है नवरात्रि के दिन मेरे ना करने के बावजूद तुमने मुझे छुआ था? उस दिन तुमने मेरा व्रत भंग कर दिया और आज मेरे छूने से तुम डर रहे हो, क्यों? आदि महाशक्ति दुर्गा देवी के बारे में तुम नहीं जानते,
वो गलती करने वालों को सिर्फ सजा ही नहीं देती, बदलने का मौका भी देती है। अगर फिर भी नहीं माने तो अपने हाथ में शूल उठाकर उसका वध करती है, समझ गए? सच कहा? कहा? अरे कोई सपना देखा होगा यार। मेरे ख्याल से दारू के नशे में कोई सपना देखा है। अरे उल्लू के पट्ठों में दारू के नशे में नहीं था। ओ ये बात है, तो मेरे ख्याल से ये जादू टोना वाली कोई बात है। हाँ तुमने ठीक कहा, ये जादू टोना ही है। ए सुनो, पुराने जमाने की बात होती तो मैं मान भी लेता, अब ये रॉकेट का जमाना, इसमें ये सब बातें कौन मानेगा भला। अरे यही तो मेरी समझ से बाहर है, उसके अंदर कोई भूत प्रेत नहीं लेकिन देव शक्ति है। पुलिस को बताऊं तो भी कैसे बताऊं, यही तो सोच रहा हूं मैं। पुलिस को खबर लगे तो हम फंस जाएंगे। मालिक एक बात बोलू, मानेंगे आप? क्या है? जरा कान लाइए। क्या कल विजयदशमी है ना? हाँ है। और पूजा खत्म होते ही वो सबको प्रसाद देती है। देती है? और प्रसाद देने से पहले वो खुद लेती है। आगे बोल। तब तो आपकी समस्या का समाधान हो गया। अरे जरा विस्तार से बताओ तुम। वो यही है। मामूली जहर नहीं है, खतरनाक जहर है। जहर गया अंदर, जान गई बाहर। तब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। फूलवती, फूलवती सब तैयारी हो गई? हाँ जी। अच्छा इसे उठा के यहाँ रख दे और वहाँ जाके काम कर ले जा। ठीक, मैं अभी आई हूँ। हाँ जी। सब तैयारी हो गई? हो गई माँ जी। अरे इसमें नीम के पत्ते नहीं डाले? अरे ये क्या कर रही है, ऐसे थोड़ी ना डालते हैं। एक एक करके। हाँ अच्छा, हटा दे। जैसे अमृत हो। आश्चर्य है, जहर घोलने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ क्या बात है आखिर? गंगा साहब बचाओ, बचाओ गंगा साहब। अरे गंगा, अरे बचाओ गंगा, अरे मुझे बचाओ, अरे बचाओ मुझे साहब। क्या गंगा? हुआ वहाँ, वहाँ सांप है। सांप है? अरे कहाँ जा रही है वो गंदा प्राणी, है काटेगा। वो गंदा प्राणी नहीं है, उसके तो सिर्फ मुंह में जहर होता है लेकिन इंसान के पूरे जिस्म में जहर है। गंगा ओ।
माँ देवी माँ, बच्चों को क्षमा करना माँ का कर्तव्य होता है। ये भी तो आपके पुत्र समान है, इनसे गलती हो गई, दया करके इन्हें क्षमा कर दीजिए और यहाँ से चली जाइए। बचीला को पाए, तुमने कुछ किया होगा इसीलिए तो तुम्हारा पीछा कर रही थी। अरे वाह, तुम तो खामोखा मेरे पीछे पड़ती हो, मैं भला उसे क्यों छेड़ूं? राजशेखर, अब फांसी देने के लिए सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो खुलकर मुझे बता सकते हो, मैं पूरी करवा दूंगा क्योंकि अदालत भी इसकी अनुमति देती है। और अगर तुम्हारी कोई खाने की इच्छा हो या अगर किसी से मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साहब, मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी औरत है साहब, उसे मैंने जिंदगी में दुख के सिवा कुछ नहीं दिया, उसके साथ मैंने जो भी अन्याय किया है उसके लिए उसे माफी मांगना चाहता हूं मैं। सर, जब तक वह मुझे माफ नहीं करेगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी सर, कभी शांति नहीं मिलेगी। साहब, मैं एक बार अपनी पत्नी से मिलके अपने किए के लिए माफी मांगना चाहता हूं साहब, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी प्रार्थना है साहब। चिंता मत करो राजशेखर, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिक्र मत करो। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। कुछ भी हो जाए मैं इस मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो बहन, क्यों इस तरह जिद कर रही हो? उधर तुम्हारा पति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तुमसे आखिरी बार क्षमा मांगना चाहता है, प्लीज। उन्हें मुझसे क्षमा मांगने की क्या जरूरत है, उन्हें परिवर्तन लाने वाली दुर्गा माता ही उन्हें क्षमा करेगी और उन्हें फांसी से बचाएगी, यही सत्य है। जानता हूँ तुम्हारी भक्ति की शक्ति से वो बच सकते हैं, देखो तुम अपनी जगह सही हो और वो अपनी जगह सही है। अभी भी अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो जिंदगी भर तुम्हें पछताना होगा, हमेशा पश्चाताप की आग में जलना होगा। देखो ये दुर्गा माता की चौखट है, यहाँ अशुभ बातें मत करो। तुम्हारा कानून जरूर मेरे पति को फांसी दिला सकती है, लेकिन मेरी माता उन्हें फांसी से बचाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। सिर्फ यही नहीं, मेरी मांग को उजड़ने से बचाएगी वो। देखो बहन, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया, अब यहाँ खड़े होकर मुझे तंग करने की कोशिश मत करो। मुझे पूरा विश्वास है मेरे पति मुझसे मिलने यहाँ जरूर आएंगे, तब तक मैं यहीं रहूंगी। मैं जानता हूँ तुम्हारा ये विश्वास जरूर तुम्हारे पति को यहाँ तक लाएगा। बेस्ट ऑफ लक। अम्बे, दुर्गा अम्बे, सुना सुना तुमने, मेरे पति को देखने के लिए मुझे जेल जाना होगा। इस जेलर को क्या पता तुम्हारी महिमा के बारे में। माते, ये सिर्फ मेरे सुहाग का सवाल नहीं है बल्कि तुम्हारी महिमा का भी सवाल है। किसी ने मेरे बेकसूर पति पर आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया है, उन्हें इस आरोप से बरी कराना तुम्हारा कर्तव्य है। न्याय दिलाओ माते, मुझे न्याय दिलाओ। आहा, मूर्ख पागल बदमाश। मूर्ख और पागल तो यहाँ पे समझ में आया, लेकिन ये बदमाश कहाँ है? हम दोनों के बीच में। चुप, मैं यहाँ गम की आग में जल रहा हूँ और तुम दोनों बंदरों की तरह उछल रहे हो, हैं? तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे तेरी ही गलती है। अरे मैंने मेडिकल स्टोर से जहर लाने के लिए कहा तुमसे और तुम नकली जहर लेके आ गए। आप भी हद करते हैं, अब जहर असली है या नकली है क्या मैं चख के देखता, या जहर बेचने वाला जो है गारंटी वारंटी कार्ड वगैरह देता है क्या? हाँ तुमने सही कहा, अगर तुम दोनों की वजह से जायदाद मेरी हाथ से निकल गई ना तो सब के सब फुटपाथ में आ जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। दुर्गा का खून मैंने ही किया, इसकी भनक तो अब गंगा को भी लग गई है। क्या करूं? उस्ताद,
अगर बुरा ना माने तो एक और उपाय बताऊं। हाँ दादा, नीचे बैठ। तुम्हारे भेजे में कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। बस उसे गोली मारिए, मेरे पास बढ़िया आइडिया है। अबे चुप, चमगादड़ की औलाद। बोलो। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट है। उस शमशान घाट के पास एक मकान है और उस मकान में एक महान तांत्रिक रहता है। ए, बेश में मत बोल, चुप रह। और उस शमशान घाट में जो मकान है उसमें वो तांत्रिक रहता है, और वो तांत्रिक में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि उसकी शक्ति से पूरी धरती कांपती है। वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है, वो किसी का भी सर्वनाश कर सकता है। जय खाली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जय जय चामुंडी। क्या चाहिए? तंत्र के बदले तंत्र, मंत्र के बदले मंत्र, मौत के बदले मौत। जल को रोकना चाहते हो, अग्नि को रोकना चाहते हो, वायु को रोकना चाहते हो, मुझसे बड़ा तांत्रिक इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। क्या चाहिए तुम्हें? आपकी मंत्र विद्या के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। हम बहुत ही तकलीफ में हैं, हमें बचाइए स्वामी जी। क्या तकलीफ है तुम्हें? कौन अर्चन डाल रहा है मुझे विस्तार से बताओ। इस तांत्रिक की चौखट पर जो खाली हाथ आया वो खाली हाथ नहीं गया। अरे स्वामी जी, वो कोई और नहीं, मेरी बीवी गंगा है, और उसकी वजह से मेरी जिंदगी बदतर बन गई है, परेशान हो गया हूँ मैं। स्वामी जी, आप ही किसी तरह समस्या का समाधान कीजिए। काम तमाम हो गया तो इस पेटी में 50,000 रुपये हैं, और बाकी के पैसे बाद में दूंगा। ओम क्रीम ब्रीम। ओए तुम क्या चिल्ला रहे हो? गंगा 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 गंगा, वो गंगा ही है, गंगा ही मेरे सामने आ रही है, जीप निकाले हुए आ रही है। आपकी पत्नी गंगा कोई साधारण औरत नहीं है, वो महाशक्ति का अवतार है बॉस। अगर गंगा से खेलेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा बॉस। जब मेरे ही पैसे से आश कर रहे थे तब तुमने ये नहीं सोचा? ये सब हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये सब जो है दुर्गा माता बुलवा रही है हम लोगों से। तुम्हारे बहकावे में आकर हमने गंगा देवी के साथ बहुत अन्याय किया है, समझ में आ रहा है कुछ? हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ हमारी भी दुर्गति हो, तुम्हें मरना है तो मरो। ए जलेबी चले। अबे चमगादड़ की औलाद, मेरे टुकड़े पर पलकर मुझे ही नसीहत दे रहे हो? चल फोट 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 यहाँ से, तुम सबको देख लूंगा। अच्छा, अगर मैं उसका खून करूं तो दशहरा के दिन मैं अपनी पत्नी गंगा का बलि चढ़ाकर तुम्हारे मंदिर में आके, ये मेरा वादा है। खा लो राजशेखर, खा लो, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है ये। कल सूरज उगने से पहले तुम्हें फांसी हो जाएगी, कम से कम तब तक अच्छे से रहो। सर, आप हमेशा मुझे तसल्ली देते आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया साहब। साहब सुबह तो मुझे फांसी होने वाली है, उसके बाद मुझे ढूंढ के कोई नहीं आएगा। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है। मेरी लाख कोशिश के बावजूद तुम्हारी पत्नी कावेरी अब तक यहाँ नहीं आई। तुम्हारी सजा को माफ करवाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। राजशेखर, तुम दुर्गा देवी से ये प्रार्थना करो कि अगले जन्म में कम से कम तुम्हें लंबी आयु मिले। माते देवी, दुर्गा माता, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी पूजा कर रही हूँ और तुम्हारा दिल नहीं पिघला। कल तुम्हारी पूजा होने वाली है और मेरे पति को वहाँ फांसी लगेगी। मेरे दिल को सुकून नहीं है माते, सुकून नहीं है माते। तुम्हें भूत, वर्तमान, भविष्य सबकी जानकारी है, तू अंतर्यामी है माते। इसलिए मुझे इस दुख से बाहर निकालो माते, बाहर निकालो माते।
मैंने सुना है माते कि नवरात्रि के दिन जो तुम्हारी पूजा करता है उसके दुखों को तुम दूर करती हो और सुख प्रदान करती हो। मुझे भी इस संकट से निकालो, मेरे सुहाग को बचाओ माते। आने वाले विजयदशमी की पूजा में मैं तुम्हारी धूमधाम से पूजा करूंगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हाथों से घी के दिए जलाऊंगी। मगर मेरे पति को जीवन दान देकर उन्हें मुझसे मिलाओ माते, हम दोनों का मिलन कराओ माते। ओम दुर्गा, 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 ओम दुर्गा। कहिए ना क्या है, क्या बात है, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दुर्गा माता का मंदिर है। हाँ? अगर वहाँ जाके प्रार्थना करोगी सब दुख दूर। सच कह रहे हैं? हाँ सच कह रहा हूँ, जल्दी बैठो। सुनिए, लक्ष्मी मुझे बुला रही है। अरे कुछ नहीं, उसे भूख लगी होगी इसलिए चिल्ला रही है, चलो तुम बैठो। नहीं जी, वो पहले कभी ऐसे किसी को नहीं रोकी है। अरे बहुत भावुक हो तुम, चलो बैठो, बैठो ना। मगर वो, मैं उसे देखता हूँ। क्या बात है, क्या हुआ लक्ष्मी? ऐसे कुछ नहीं हुआ, तुम समझने की कोशिश करो, चलो गाड़ी में बैठो। मगर ये, अरे ये क्या कर रहे हैं, मारिए मत। चलो बैठो, पहले से ही हम लेट है और ऊपर से तुम भी लेट कर रही हो। Thank you.
तुझसे सुन ले विनती, प्राणपति को दे दे। मेरे वक दुख है मन में बसा मेरे, ले ले प्राण मेरे को। तू ही जीवन, तू है पावन, तू है भाग्य ही माते। दया कर तू, रक्षा कर तू, दया कर तू, रक्षा कर तू, प्राण के दे भिक्षा तू, प्राण के दे भिक्षा तू। वहाँ देख रही हो ना, ये वनदुर्गा है, बहुत ही शक्तिशाली देवी है, और तुम देवी माँ की भक्तन हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। जाओ नमन करो जाओ। देवी, रक्षा करो कहकर प्रार्थना करी आपने, तो वो आपके दुखों से आपको दूर कर देगी। माते, माते, जगदम्बे, दुर्गा परमेश्वरी, आज तुमने इस पापी के पापों को धोकर एक नया जीवन दान दिया है। दुर्गे, मैंने अपनी देवी जैसी पत्नी के साथ बहुत अन्याय किया, और मैंने उस मासूम दुर्गा का भी खून किया है माते, इन्हीं हाथों से मैंने उसका खून किया है माते। मैंने बहुत पाप किए हैं, और 7 जन्म लूं तो भी मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा माते। सुनिए, सुनिए, ये क्या कर रहे हैं? उठिए, उठिए, ये क्या हाल बना रखा है आपने? गंगा, मैंने तुम पर बहुत जुल्म ढाए, मैं बहुत ही पापी हूँ, मुझे पापों का प्रायश्चित करने दो। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुमसे क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूँ मैं। सुनिए, आप रोना बंद कीजिए। सुबह का भूला जब शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। देवी माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। गंगा, मुझ जैसे नीच इंसान को अच्छे इंसान बनाने के लिए ही तुम इतने दिनों से देवी माँ की पूजा करती आ रही हो, ये मेरा सौभाग्य है। गंगा, गंगा, मैं बेकसूर राजशेखर को बचाने के लिए
खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा गंगा, वो बेगुनाह है गंगा। अब तुम चिंता करना छोड़ दो, मेरे सुहाग की रक्षा के लिए मैंने माता से प्रार्थना की और मुझे उसका फल भी मिल गया। मेरे पति जेल से छूट गए हैं और वो मेरे पास आ गए हैं। क्या कहा, राजशेखर जेल से छूट गया? सिर्फ जेल से ही नहीं छूटा, लेकिन ये भी साबित हो कि मैं बेकसूर हूँ। कावेरी की सुहाग को बचाने वाली देवी दुर्गा खुद है। माँ सदा अपने बच्चों की रक्षा करती है, इसलिए देवी माँ ने मुझे फांसी के फंदे से बचा लिया। आज मैं जिंदा हूं तो उनकी कृपा से। आश्चर्य की बात है, दुर्गा का खून मैंने किया और मैं पुलिस की जाल में नहीं फंसा, ये सब कैसे हुआ? मैं बताती हूँ। तुम दुर्गा, दुर्गा जब मैं जीवित हूँ तो इन्हें फांसी कैसे होगी? दुर्गा तुम अब तक जिंदा हो, मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हें मारा। उस घटना के एक दिन पहले देवी माँ मेरे सपनों में आई और मुझसे कहा कि तुम्हारे प्राण खतरे में है, इसलिए इस शहर को छोड़कर चली जाओ। और मैं भी उनके कहे अनुसार इस शहर को छोड़कर चली गई। कल तुम्हारे प्राणों को खतरा है मेरी मानो, इसलिए कुछ समय के लिए यह शहर छोड़कर तुम कहीं दूर चली जाओ और मेरे मंदिरों की तीर्थ यात्रा करो, फिर विजयदशमी के दिन वापस इस शहर में आ जाना। हेमा, तुम्हारे कहे अनुसार मैं इस शहर को छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हारे मंदिरों की तीर्थ यात्रा करूंगी। तीर्थ यात्रा समाप्त होने के बाद विजयदशमी के दिन मैं जरूर वापस आ जाऊंगी। माते माते, तुम्हारे कहे अनुसार मैं आज इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ, ताकि मैं सकुशल वापस आ सकूँ। इस शहर को छोड़ने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। देश में जितने भी माता के मंदिर है मैंने वहाँ जाकर माता के दर्शन किए। जो ही विजयदशमी के दिन मैं यहाँ पर आई तो मैंने पेपर में पढ़ा कि राजशेखर को फांसी होने वाली है। मैंने तुरंत जाकर उन्हें छुड़ा लिया। मतलब ये है कि उस दिन संगीत कार्यक्रम के बाद तुम कार से नहीं जा रही थी? नहीं। तो मैंने किसका खून किया? चंद्रपाल, दुर्गा देवी की महिमा के बारे में तुम अभी नहीं समझे? गंगा मेरी पूजा करती थी और तुम जैसे पापी के मन को भी मैंने ही बदला। तुमने राजशेखर की पत्नी पर झूठा आरोप लगाया, वो भी मेरा ही किया धरा था। और जिस दिन तुमने कार के अंदर गला घोटकर दुर्गा की हत्या की थी वो माँ दुर्गा देवी थी, दुर्गा नहीं, ये तुम नहीं जानते थे। उस दिन तुमने कुछ नहीं बताया, मगर आज तो बताओ तुम हो कौन? मैं? हाँ। कौन हूँ?